ओके हेलो स्टूडेंट्स, नए टॉपिक में आप सबका स्वागत है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके अंदर हम पहला बिट पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। तो अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो एक क्विकली रिकैप कर लिया जाए। काइनेमेटिक्स, ये टॉपिक देखा हमने, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने चार बिट देखे, ये सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। वैसे ही हमारा ये नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके अंदर हम ये चार या पांच सब टॉपिक देखेंगे। पहला है इलास्टिसिटी, दूसरा विस्कोसिटी, और सब्सिक्वेंटली ये नीचे टॉपिक आते जाएंगे। तो हम इससे शुरुआत करेंगे इलास्टिसिटी से। वही हमने हेडिंग दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर, सबसे पहला इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी इलास्टिसिटी क्या है? तो मेरे पास एक स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज को अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, इसको मैं दबाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स मतलब इसको मैं अगर दबाता हूँ तो इसका शेप चेंज हो गया, देखो। और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये शेप रिटर्न आ जाता है। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच द बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज लेने की कोशिश करेगा। कब? जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स, जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स नाम से मैंने पुकारा है, ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, इस फोर्स को कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, जो बॉडी को डिफॉर्म कर रहा है, शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा है उसकी। सो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी का शेप रिगेन होने की, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, उसको कहेंगे हम, दैट इज द प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी। अभी यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई करने वाली। इलास्टिसिटी क्यों होती है, ऐसा अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है? तो इसके अंदर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। किसके बीच में? ये अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, हर एक मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वो क्लियरली समझने के लिए डायग्राम देखो भाई। किसी भी मटेरियल, कोई भी इलास्टिक बॉडी के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, और वो फोर्स हटा देंगे तो अपने आप ये सेम डिस्टेंस रिगेन कर लेंगे। अगर डिस्टेंस इतना है, फोर्स लगाओगे कम हो जाएगा, फोर्स रिमूव करेंगे वापस इतना हो जाएगा। डिस्टेंस इतना है, फोर्स लगाओगे बाहर की तरफ, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स रिमूव करोगे, डिस्टेंस वापस कम हो जाएगा। तो ये जो अपने आप कम ज़्यादा होने वाली सिचुएशन इनके अंदर जो क्रिएट हो रही है, वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल के बीच में इनका क्या है? अट्रैक्शन है। खींचोगे नज़दीक आएंगे, दबाओगे बाहर आएंगे अपने ओरिजिनल डिस्टेंस पे। ठीक है, इसको हमने वर्ड यूज़ किया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये हर एक मटेरियल में होगा क्या ऐसा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक बॉटल ले लो, ये प्लास्टिक बॉटल के मॉलिक्यूल ऐसा कर दो, ये परमानेंटली ऐसा ही रहेगा, डिफॉर्म रहेगा। तो इसके मॉलिक्यूल रिगेन कर पाए क्या शेप एंड साइज को? हमने कहा नहीं। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा है? काफ़ी कमजोर है, वीक है। और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्पॉन्ज के मॉलिक्यूल देखो, फोर्स लगाओ हटा दो, रिगेन किया, वाह इलास्टिक है, राइट। तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रांग है। आगे आए फिर हमने देखा रिजिड बॉडी क्या होता है। टाइप्स ऑफ बॉडी देख रहे हैं जनरली, रिजिड बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, पार्शियली इलास्टिक बॉडी क्या होता है। सो रिजिड बॉडी क्या है कि जो दो बॉडी के अंदर जो दो मॉलिक्यूल है उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, कितना भी फोर्स लगाओ। अ बॉडी इन विच द सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट चेंज, इट नेवर गेट डिफॉर्म ही नहीं होगा। लेट्स से मेरे पास एक चार्जर है, ठीक है, चार्जर को मैं अगर कोई फोर्स लगाता हूँ, इतना ही फोर्स लगाता हूँ, इसके बीच के जो दो पार्टिकल है इनका बीच का डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये रिजिड बॉडी है, लेकिन रुको, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा दूँ, इसको क्रश कर दूँ, तो ये टूट जाएगा ना, तब ये रिजिड बॉडी रहेगी क्या? नहीं। तो फिर ऐसी तो कोई रिजिड बॉडी नहीं हो सकती दुनिया में, बिल्कुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम कोई भी बॉडी ले लो जिसको तोड़ सकते हैं, जिस बॉडी को तोड़ना नामुमकिन है वो रिजिड बॉडी है। प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन थेरोटिकल पर्पज के लिए हम ऐसा मान लो कि तुम काफ़ी कमज़ोर फोर्स लगा रहे हो, तो उस कमज़ोर फोर्स के लिए इसको तुम रिजिड बॉडी मान सकते हो। हालांकि ये कौन सी बॉडी है? ये प्लास्टिक बॉडी है। फिर दूसरा हमने देखा इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक बॉडी। सो जो बॉडी फोर्स लगाने के बाद अपना शेप एंड साइज कंप्लीटली रिगेन कर पाए उसको कहेंगे इलास्टिक बॉडी। फिर पार्शियली इलास्टिक बॉडी क्या है? जो बॉडी फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्म हो, छोड़ने के बाद
अपना पूरा शेप रिकवर नहीं कर पाए। जैसे ये सिचुएशन में देखो कि अगर ये कम्प्लीटली ऐसा स्ट्रेट होता तो हम कहते हैं कि ये इलास्टिक बॉडी, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड रह गया फोर्स रिमूव करने के बाद भी, तो हमने कहा फिर ये कौन सी बॉडी होगी, ये होगी पार्शियली इलास्टिक बॉडी। और टेक्निकली हम बात करेंगे तो जो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन होगा, जो मैंने इसको डिफॉर्म करने में काम किया है, वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस बॉडी के अंदर, कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कैसे पहचाना सर आपने, जब इसको रिमूव करो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी उसको हेल्प करेगी इसका शेप एंड साइज रिगेन करने में। अगर यही बॉडी पार्शियल इलास्टिक बॉडी है तो जो हम वर्क डन करेंगे वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन करने में नाकामयाब रही। 80% रिकवर करेगी, 99% रिकवर करेगी, फिर भी हम उसको कहेंगे पार्शियली इलास्टिक बॉडी। 100% शेप एंड साइज रिकवर होना चाहिए तभी वो इलास्टिक बॉडी कहेगी, ठीक है। फिर तीसरा टाइप क्या है, इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। इनइलास्टिक बॉडी मतलब जब उसको हम डिफॉर्म करेंगे, जैसे बॉटल का एग्जांपल लिया था, पूरा क्रश कर लिया तो इसके मॉलिक्यूल्स ने गिव अप कर दिया, इसके मॉलिक्यूल्स ने कोई एफर्ट नहीं लगाया अपना शेप एंड साइज रिगेन करने में, तो इस टाइप के बॉडी को हम कहेंगे इनइलास्टिक बॉडी। जैसे क्ले होता है या डो होता है, जिसके हम रोटियां बनाते हैं वो डो कनिक बोलते हैं मराठी में, उसको ऐसा पंच मारो डिफॉर्म हो जाता है कम्प्लीटली, तो दैट काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ बॉडी है। फिर हम देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस ड्यू टू अ फोर्स। अभी ये बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फाइन, प्रोसीजर समझ लो, स्ट्रेस क्या होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, कब डेवलप होगा स्ट्रेस, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बॉडी ली, बॉडी मेरे हाथ के ऊपर रखी, मैंने पूछा कि भैया इसके अंदर, ये बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप हुआ है क्या, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। बच्चों ने कहा नहीं सर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने फोर्स ही नहीं लगाया इसको। जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा इस बॉडी को तब तक इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। फिर से जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा क्या, नहीं। फिर लगाओ सर एक्सटर्नल फोर्स, लगा देता हूँ भाई, ये देखो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इतना बड़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, उंगली से भी दबा सकता हूँ, ये दबा दिया मैंने, कहाँ दबाया, इधर दबाया। जैसे ही मैंने इस बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अंदर क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर है उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैं कंप्रेस कर रहा हूँ ना, तो जो दो मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो छोड़ने के बाद ये बॉडी अपने शेप रिगेन कर रही है, क्यों, क्योंकि अंदर इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो है, जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मैं इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल उसको एक्सपांड करेंगे, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ये मैं इसको इलोंगेट करने की कोशिश करूँगा या खींचने की कोशिश करूँगा तो अंदर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नज़दीक आना चाहेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल का नेचर है, नज़दीक आना या बाहर लेके जाना, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर ये मॉलिक्यूल कर पाते हैं ऐसा तो हम उसको कहेंगे कि मॉलिक्यूल इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, किसको, जो बाहर से तुम फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके विपरीत दिशा में इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ये इंटरनल मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा पाते हैं जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे कि अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ेगी ना अपना शेप एंड साइज रिगेन करने में। दो मॉलिक्यूल बैठे थे आराम से, ये कमबख्त बाहर वाला फोर्स आया उसको दबा दिया। अब इन लोगों ने कहा कि क्या यार ये बाहर से फोर्स लगा है, हमें आपको वापस रिगेन करना पड़ेगा। सो मतलब क्या है, ये स्ट्रेस हो गए, ठीक है। एक दूसरी सिचुएशन कंपेयर करें क्या, वो डॉग कनिक वाली जिसको तुमने पंच मारा और कम्प्लीटली डिफॉर्म हो गया था, वो सिचुएशन में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अपने डो कनिक या क्ले के मॉलिक्यूल्स को क्या है, पंच मारा कम्प्लीटली डिफॉर्म हो गया इस बॉटल जैसा, तो इसके मॉलिक्यूल ने कुछ एफर्ट ही नहीं लिया भाई रिगेन करे पोजीशन को, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रिगेन करे, उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं लिया, तो इसके अंदर स्ट्रेस ही नहीं लगेगा। मतलब स्ट्रेस कब लगेगा, जब अंदर से मेहनत करेंगे मॉलिक्यूल्स। जैसे घर जाके हम रिविजन करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस आएगा, तो पढ़ाई होगी, घर पर रिविजन ही नहीं करोगे तो स्ट्रेस कहेगा, घंटा स्ट्रेस आएगा, पढ़ाई भी नहीं होगी, फिर रिगेन भी नहीं होगी पूरी शेप एंड साइज। तो वैसे ही मॉलिक्यूल का अगर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लगता है तब बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, ड्यू टू डिफॉर्मेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनसाइड द बॉडी मे डेवलप सम रेजिस्टिंग फोर्स। मे वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि प्लास्टिक के मॉलिक्यूल कर नहीं पाए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप, स्पॉन्ज के मॉलिक्यूल डेवलप कर पाए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। सो इट डिपेंड अपॉन बॉडी, बॉडी के ऊपर हम, अगर मैं दोनों बॉडी के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ तो ये बॉडी अलग से रिएक्ट करेगी, ये बॉडी अलग से रिएक्ट करेगी,
ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर पाएगी? ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं कर पाएगी। तो किसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा? इसके अंदर, क्योंकि इसने रेजिस्टिव फोर्स लगा पाया। ये इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा क्या? नहीं जी। फिर हमने कहा कि फिर कैसे फॉर्मूला कैसे बनाओगे? स्ट्रेस तो बता दिया, फॉर्मूला कैसे रहेगा? तो हमने कहा थर्ड पॉइंट में, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। सो अंदर से बॉडी ने अगर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लगाया तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर से स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हमने एक वर्ड यूज किया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको पॉइंट को अगर हम नीचे देखेंगे, पर यूनिट क्रॉस एरिया मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ये सिचुएशन, स्पॉन्ज है, ये मेरी पेंसिल, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यही पोर्शन पे स्ट्रेस डेवलप होगा ना भाई। यहाँ क्यों होगा? यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो हमने कहा कि स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे फोर्स लगाओगे मतलब स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा। ओके फाइन, लेकिन मैथमेटिकली कैसे बताओगे? जितना मैंने बाहर से फोर्स लगाया उतने ही अमाउंट का अंदर से रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा इतने एरिया में से। तो हमने कहा कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ दिस एरिया के मॉलिक्यूल का, तो हमने कहा कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेस, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर बॉडी कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी है, सुन लो बात को, बॉडी इलास्टिक बॉडी, इसका मतलब क्या है कि जितना बाहर से फोर्स लगेगा उतना ही अंदर से फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो बॉडी को इलास्टिक कहते हैं हम। तो अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ बाहर से, तो अंदर भी रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का क्रिएट होगा या नहीं होगा? वही एरिया में से। हमने कहा ठीक है, तो वो सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जितना डिफॉर्मिंग फोर्स है उतना ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगर है, तो ये दोनों फॉर्मूला का मीनिंग सेम हो जाएगा। मतलब कभी सवालों में ऐसा पूछा है कि इलास्टिक बॉडी जिसके ऊपर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर, तो स्ट्रेस कितना? तो हमने कहा कि इलास्टिक बॉडी है ना, तो जितना डिफॉर्मिंग फोर्स है 5 न्यूटन का उतना ही रेजिस्टिंग फोर्स होगा 5 न्यूटन का। सो 5 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस लगेगा। तो स्ट्रेस का यूनिट हम नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं। स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे एरिया है उसका यूनिट मीटर स्क्वायर। फिर एक सवाल आएगा कि सर फिर प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, हमें कैसे समझ में आएगा कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर है? तो देखो भाई, स्ट्रेस की चर्चा हम कब करते हैं? जब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट हो तब करते हैं। प्रेशर की चर्चा हम कब करते हैं? कभी भी कर सकते हैं हम। मैग्नीट्यूड वाइज स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर क्या कहता है? तुम जितना बाहर से फोर्स लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, वो प्रेशर है। प्रेशर को इंटरनल फोर्स से लेना देना ही नहीं है कि इंटरनल फोर्स हो रहा है या वो प्लास्टिक बॉडी है या रिजिड बॉडी है या इलास्टिक बॉडी है। जब हम प्रेशर की बात करेंगे, हम सिंपली बाहर का जितना फोर्स लगाया है और कितने एरिया के ऊपर लगाया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, खत्म, प्रेशर। स्ट्रेस कैसा है? स्ट्रेस जरा क्वालिटी वर्ड है, स्मार्ट वर्ड है। स्ट्रेस के अंदर हमें देखना पड़ता है कि बॉडी का टाइप कौन सा है, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, या डिफॉर्मिंग फोर्स को वो रेजिस्ट करती है या नहीं करती है, तभी स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो इसलिए तो हमारा भी नेचर वैसा होता है ना, कोई ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल कर लेता है, कोई कम स्ट्रेस में गिवअप कर देता है। वैसे ही किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिफाइंड होगा कि स्ट्रेस किस बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा या कम होगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से स्टील के अंदर स्ट्रेस कम हो सकता है, एल्यूमिनियम के अंदर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से स्ट्रेस ज़्यादा भी हो सकता है। ये सभी बातें हमें नेक्स्ट लेक्चर में करनी है, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखेंगे और उसका साथीदार होगा स्ट्रेन, इनको जोड़ने वाला उनका साथीदार होगा मॉड्यूलस। तो यहाँ से लेक्चर काफ़ी अच्छी ग्रिप पकड़ेगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।